हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश कुंदड़ और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। कल थर्सडे था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं थर्सडे को टेक्निकल वीडियो फिर से नहीं बना पाया। एक्चुअली टेक्निकल वीडियो के लिए हमें कोई तो भी एक अच्छा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में हम अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। होती कोशिश में वो साइट पे जाके अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिलहाल मेरी 6-7 साइट्स चालू है, पर मैं वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करना मेरे को पॉसिबल नहीं हो रहा है। प्लस पर्टिकुलरली जिस स्टेज पे वो काम है, ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज का वीडियो का रिक्वायरमेंट हो अभी, और उसके वजह से मैं टेक्निकल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि ऐसे ही कोई भी वीडियो बनाने में कोई पॉइंट नहीं है। आज फिर से हम बिजनेस क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये बिजनेस क्वेश्चन पूछा है मयूर ने, और ये मयूर जो है चंद्रपुर से है और ये अभी सोलर का नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मयूर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मैं कस्टमर के पास जाके क्या बोलूँ, मेरी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, मेरा पहला पिचिंग क्या होना चाहिए। मुझे सोलर के बारे में जानकारी तो है, लेकिन मैंने कस्टमर को क्या बोलना चाहिए जिसकी वजह से वो कन्विंस हो जाए। क्यों कोई कस्टमर मुझे अपना पहला चांस देगा? तो यही अगर सारे क्वेश्चंस आपके भी है तो आपके लिए वीडियो ऑब्वियसली बहुत वैलिड है। तो सिंपल आंसर इसका ऐसा है कि कस्टमर्स जो आपको ढूंढने हैं, आपको डिसाइड करना है। शुरुआत में आप सभी कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको रेसिडेंशियल सेगमेंट के साथ चालू करना है या कमर्शियल सेगमेंट के साथ चालू करना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस सेगमेंट से आप शुरू कर रहे हो आप उसी सेगमेंट में आगे बढ़ोगे। आप सेगमेंट बीच में कभी भी चेंज कर सकते हो। मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल किया था। आज मैं अगर 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो 10 में से 9 प्रोजेक्ट मेरे रेसिडेंशियल नहीं है। एक प्रोजेक्ट ही कोई रेसिडेंशियल होता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आप बाद में नहीं चेंज कर सकते हो। हाँ, बट स्टार्ट में आपको एक कोई भी साइड डिसाइड करनी होगी। अगर आप रेसिडेंशियल साइड में जाते हो तो बड़े बंगलोज और इनको टारगेट कीजिए, और अगर आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल साइड पे जाना चाहते हो तो आप MIDC होगी, यानी MIDC यानी इंडस्ट्रियल एरिया होगा आपके ये जो भी सिटी है वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर बड़े हॉस्पिटल्स होटल्स, इनको आप टारगेट कर सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप रेसिडेंशियल से शुरू कीजिए और उन लोगों के साथ शुरू कीजिए जो आपके जान पहचान के हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन सोलर को अगर लगाता है, महंगी चीज़ होती है सोलर काफ़ी, एक सिस्टम अगर हम घर के लिए भी बोले तो 3-4 लाख रुपए से शुरू होता है। तो अगर नॉट नेसेसरीली 3-4 लाख से शुरू होता है, बट नॉर्मली 3-4 लाख का होता है। तो 3-4 लाख की कोई चीज़ अगर लगाना चाहेगा तो आपको पहला चांस आपको मोस्टली आपका फैमिली या फ्रेंड्स में से ही कोई देगा, क्योंकि ना आपके पास एक्सपीरियंस है ना आपकी कोई चीज़ है। तो मेरा पर्सनल सजेशन तो यही रहेगा कि रेसिडेंशियल के साथ शुरुआत कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में सबसे पहले टारगेट कीजिए। अब मतलब मयूर का सेकंड क्वेश्चन ये था उसी से लिंक्ड कि समझो मुझे कोई कस्टमर मिल भी जाए, उसके बाद मैं क्या करूँ। मेरे पास तो अभी मैं किसी पे भरोसा कर सकूँ ऐसे इंस्टॉलर्स नहीं है। ऐसे इंस्टॉलर्स मिलना मुश्किल है डेफिनेटली। अगर बहुत सारी सिटीज़ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बट हर सिटी में हर फ्रेंड नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ मेरे से हो सके मैं मेरे फ्रेंड को रेफ़र करूँगा जो आपको इंस्टॉलेशन में और सारी चीज़ों में मदद करेगा, जिससे आपकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो। जहाँ ऐसी सिचुएशन है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, वहाँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट फ़ोन पे जितना हो सके उतना गाइड करूँगा ताकि आप आपका इंस्टॉलेशन परफेक्टली कर पाओ। तो ये हम चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। फिलहाल ये सर्विस मैंने फ्री रखी है क्योंकि इसका कोई कमर्शियल एंगल मैंने दिमाग में नहीं आया है, ना ही मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई कमर्शियली मैं कोई बेनिफिट कर सकता हूँ। तो ये सर्विस टोटली फ्री रहेगी मेरी तरफ से, पर कोशिश मैं यही करूँगा कि मेरा कोई फ्रेंड हो जिसके साथ आप इंस्टॉल करें, उसके साथ टर्म्स कंडीशन आपको आपस में डिसाइड करनी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप मेरा नाम यूज़ करके कि भाई मैं सोलर पंडित से एसोसिएट हूँ, पर सोलर पंडित से एसोसिएट हूँ तो तभी बोलना जब आप सही में मेरी हेल्प ले रहे हो, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि मेरा नाम एसोसिएट हो तो वहाँ क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये हम चीज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था मयूर का, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मयूर को मैं थैंक यू बोलता हूँ, और बिजनेस क्वेश्चन सीरीज़ है क्योंकि ये, तो मयूर को मेरी तरफ से इसका एक बुक गिफ्ट भी मिलेगा।
तो आप भी क्वेश्चंस पूछते रहिए, मेरा नंबर व्हाट्सएप का है, आप यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा, आपका फ़ायदा हुआ, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के बीच में। और चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।